आपका क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹150 per m². ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा रूम किस टाइप का है, इसने दे रखा है लेंथ इज 5 मीटर्स, तो हम लिख लेते हैं लेंथ L इज इक्वल टू 5 मीटर्स। फिर दे रखा है ब्रेथ इज 4 मीटर्स, तो B इज इक्वल टू 4 मीटर्स एंड हाइट दे रखा है 3 मीटर्स, H इज इक्वल टू 3 मीटर्स। आप देखोगे तीनों ही डिफरेंट हैं, उसका मतलब क्या हुआ, इट्स अ क्यूबॉइड। ठीक है, इट्स अ क्यूबॉइड। अगर ये क्यूबॉइड है तब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग। तो आप देखोगे कोई भी रूम है उसमें हम जमीन के ऊपर कभी भी व्हाइट वॉश नहीं करते हैं, छत एंड वॉल्स के अंदर हम व्हाइट वॉश करते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हुआ आपका, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और अदर वे दूसरी भाषा में इसको और भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है हमारा, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ये हमारा होता है 2H L+B। ठीक है, 2H L+B, इसको कैसे डिराइव हुआ है, ये अगर आप देखोगे कि टॉप एंड फ्लोर इज नॉट देयर, तो क्या हुआ हमारा, क्या है 2 इंटू टॉप एंड फ्लोर में क्या होता है हमारा L into B, उसको छोड़ दो, बाकी टोटल सरफेस एरिया में क्या है हमारा, हमारा है BH+HL। ठीक है, तो H दोनों में कॉमन है इसलिए बाहर आ गया, B एंड L ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया 2H L+B। ठीक है, प्लस इसने और क्या कहा, सीलिंग, सीलिंग यानी टॉप यानी छत, तो छत के ऊपर भी हमको व्हाइट वॉश करना है, तो छत के ऊपर क्या होता है, प्लस L into B L B। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले हम देख लेंगे कि सबके सब के अंदर क्या है, इट्स इन मीटर्स। ठीक है, तो अच्छी बात है, तो अब हम लिखते हैं 2 into व्हाट इज H, H इज 3, L इज 5 प्लस 4 प्लस LB 5 into 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6 और ब्रैकेट के अंदर 5 + 4 = 9 प्लस 5 into 4 = 20, तो कितना हो गया 6 9 = 54 + 20, दैट इज इक्वल टू 54 + 20 = 74। 74 m² आपका आ गया एरिया, जिसको आपको क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, क्या करना है, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश एरिया। ठीक है, तो इतना। नेक्स्ट इसने क्या करने के लिए कहा, इसने कहा कि
एट द रेट ऑफ रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, जो एरिया आया है मीटर स्क्वायर इंटू 7.50 अगर हम करते हैं तो हमको क्या निकल आएगा, उसका टोटल कॉस्ट। तो हमारा क्या है, रेट, रेट ऑफ व्हाइट वॉश, पर मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ इसने, रुपीज 7.50। तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा हमारा, 74 इंटू 7.50 भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं। इसको हम करते हैं 74 इंटू 7.5, तो हमारा आ जाएगा 74 एंड 7.5, ठीक है। 54 जा 20, 2 कैरी, 57 जा 35 प्लस 2 37, 74 जा 28, 2 कैरी, 77 जा 49 प्लस 2 इज 51, 0, 8 प्लस 7 इज 15, 1 कैरी, 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 1 इज 5 एंड 5। और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हमारा यहां पर आ जाएगा, तो हमारा कितना आ गया रुपीस, हमारी वैल्यू आ गई अब रुपीस 555, ठीक है। इतना आपका टोटल कॉस्ट लगेगा फॉर व्हाइट वॉशिंग द रूम, ठीक है।